बच्चे कुछ बर्बादी है उसकी तरफ ये अगर सरकार बनती है तो तीसरा कदम होगा। 2014 तक जो देश जो है बढ़ रहा था, विकसित होने की तरफ था कांग्रेस की सरकार में, वहाँ से जो विराम लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया, महंगाई बढ़ गई, GST से बहुत लोड पड़ा लोगों पर, रोडों पर जो है टोलों पर बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाने लगे। BJP के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए बहुत सारे ट्रिक अपनाती है, कि PM का कैंडिडेट और ये वो और मंदिर मस्जिद बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो महंगाई पे उनको सवाल पूछा जाता है, बेरोज़गारी पे उनसे पूछा जाता है, उसको दबाने के लिए वो इधर उधर के प्रोपेगंडे करती है। इसके अलावा कुछ नहीं है BJP के पास। 2024 में कांग्रेस को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है, जनता या इंडिया अलायंस को? इंडिया निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जो फेस है इंडिया अलायंस का, जो सबसे आगे है वो कांग्रेस है, आप इस बात को समझते ही हैं। गठबंधन BJP का भी है, जो आपने बताया NDA गठबंधन, उसमें इसी तरह से BJP उसकी सबसे आगे की पार्टी है, इसी तरह से ये इंडिया गठबंधन की सबसे आगे की पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस ही लीड करने वाली है जिस तरह से BJP उसको लीड करती है। और जाहिर सी बात है ऐसे में उम्मीदें भी जो है कांग्रेस से ज़्यादा हैं लोगों को, ये अनुभव उन्हें बहुत सारा है, उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएँ की हैं, 3-4 हज़ार किलोमीटर पैदल चले हैं, अभी भी यात्राएं कर रहे हैं, सारा वो प्रशासन का मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं है। और जो उनके आसपास रहते हैं वो भी ऐसे लोग हैं जो सरकारें चलाई हैं उन्होंने, मंत्रिमंडल चलाए हैं, उनके वो हेल्प करते हैं, और वो खुद भी अच्छे पढ़े लिखे और एक टैलेंटेड आदमी है, वो अच्छी तरह सरकार चला पाएंगे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी जी से बेहतर चला लेंगे, इतना तो पक्का है।